हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवे। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे ना इस भीड़ में अपने आपको बेटर प्रूफ करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन दौड़ में है, लेकिन यहाँ पे बिटयार्ड का दावा है कि सबसे कम हैंडलिंग फीसेज ये आपसे चार्ज करते हैं। हैंडलिंग फीसेज इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन फीस। ट्रांजेक्शन फीस जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको कुछ पे करना पड़ता है इनको, और अब जब आप विड्रॉ लेते हो, डिपॉजिट लेते हो, तो आपको कुछ पे करना पड़ता है। तो इन टर्म्स ऑफ ये सारी चीजों में सबसे कम हैंडलिंग फीसेज क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स में बिटयार्ड आपको देता है, मतलब ऐसा दावा है इनका। गाइस, देखते हैं कि कितनी सच्चाई है इस दावे में। उससे पहले आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हैंडलिंग फीसेस क्या होती है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं, भाई लाइक नहीं किया ना तो यार अभी लाइक कर दो, उसके बाद वीडियो देख लेना, कमेंट कर देना यार वीडियो देखने के बाद अच्छी सी, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, बाइनरी फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग से इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, आप अभी मेरे पीसी के स्क्रीन पे bityard.com का प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं। पीसी पे मैं लॉगिन हूं और यहां पे ये इनकी वेबसाइट है जो कि काफी इंप्रेसिव है, काफी अच्छी है। लेकिन अब बात करते हैं अगर हैंडलिंग फीसेस की, तो गाइस अगर आप देखेंगे तो मैंने इनके चैट सपोर्ट से भी बात किया है, डिस्कस किया है अबाउट हैंडलिंग फीसेज और जितनी भी सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए। और बाकी मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च भी किया है जो आपके साथ मैं भी शेयर करने वाला हूं। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैंडलिंग फीसेस होती क्या है। तो भाई जब आप शॉपिंग करते हो ना, मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं जहां से आपको समझ आएगा। तो जब आप शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करते टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहा हूं यहां पे, तो जब आप शॉपिंग करते हो तो अब आप 3-4 प्रोडक्ट एक साथ कार्ट में डालते हो, तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिलीवरी फीसेस कुछ देनी पड़ती है, यानी डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो जो डिलीवरी चार्जेस है या एक्स्ट्रा कॉस्ट है कुछ भी, तो वो जो कॉस्ट होती है ना उसको हम बोलते हैं हैंडलिंग फीसेस। अगर आप 5 प्रोडक्ट कार्ट में डालोगे तो पांचों को एक साथ बाय करोगे तो आपको एक ही बार हैंडलिंग फीसेस देनी पड़ेगी। सेम यहां पे भी है, अगर आप विड्रॉ लोगे ना तो विड्रॉ के ऊपर आपको हैंडलिंग फीसेस देनी पड़ेगी, और किस टर्म में देनी पड़ेगी मैं आपको यहां पे समझाता हूं। So guys, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना सेम एज बाइनरी और फॉरेक्स होते हैं। यहां पे ना जैसे आप बाइनरी में ट्रेड लेते हो तो वहां पे आपको कुछ एसेट्स मिलते हैं जहां पे आप ट्रेड लगा सकते हो। क्रिप्टो में भी कुछ एसेट्स मिलते हैं जहां पे आप बिटकॉइन इथेरियम के साथ ट्रेड कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात जो क्रिप्टो की लगती है वो ये कि यहां पे आप 24/7 ट्रेड ले सकते हो। जी हां, 24/7 मतलब कि यहां पे आपको संडे को ओटीसी या सैटरडे को ओटीसी मार्केट नहीं मिलता है, यहां पे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग ही मिलती है, और जो इतनी सारी करेंसीज हैं वो आपके पेयर सारे ओपन रहते हैं 24/7 और वीक में 7 दिन, ठीक है। तो यहां पे सबसे अच्छा एडवांटेज ये मिल जाता है। और दूसरी चीज, यहां पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ के मेथड बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आप बाइनरी और फॉरेक्स की बात करते हो तो यहां पे आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो भैया आपको यहां पे यूएसडीटी के टर्म्स में TRC20, ERC20 और ओमिनी के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां पे आप अपने एड्रेस से डायरेक्टली डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। BTC का ऑप्शन मिल जाता है, इथेरियम का ऑप्शन मिल जाता है, TRX, XRP और EOS का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। अगर आपने नहीं सुनी है ये सारी चीजें तो सेपरेट वीडियोस में इनके ऊपर जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हो तो मुझे लगता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन जान लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपकी यूजफुल यानी काम की नहीं है। तो गाइस अभी मैं नोटपैड पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से इनकी हैंडलिंग फीसेस का स्ट्रक्चर है। तो इनकी हैंडलिंग फीसेस जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो किस बेसिस पे लगती है, तो भैया इनकी हैंडलिंग फीसेस का जो फॉर्मूला वो है मार्जिन इनटू लेवरेज इनटू 0.05%, ठीक है। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। मतलब अगर आप जो मार्जिन सेट करते हो और जो लेवरेज लेते हो उसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी हैंडलिंग फीस आपको एक ऑर्डर पे देनी पड़ेगी। अब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमारा चैनल है सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाने के लिए जाना जाता है। तो गाइस अगर आप 5 USDT की एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहां पे आपको कितनी हैंडलिंग फीस देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 0.1। मतलब अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे 5 USDT का तो टोटल आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.1 का। मतलब अगर आप 50 USDT का एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको हैंडलिंग फीस के साथ वो ऑर्डर पड़ेगा 51 USDT का, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 50 USDT आप एक ऑर्डर पे लगाते हो, मार्जिन सेट करते हो, तो आपको टोटल पे करने पड़ेंगे 51 USDT, जो मुझे लगता है हाल ही के मार्केट में सबसे कम है। जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने देखे हैं उसमें सबसे कम है। तो ये दावा इनका बिल्कुल सही है कि अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे तो यहां पर लोएस्ट हैंडलिंग फीस अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने देखे हैं बिटयार्ड सबसे कम है। अब बात
करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ की। डिपॉजिट के मेथड्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, तो यहां पे आपको डिपॉजिट के टाइम पे जो हैंडलिंग फीस देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है इक्वल्स टू जीरो, यानी कि शून्य। अब बात करते हैं विड्रॉ की। विड्रॉ के मेथड्स आपको बता दिए, ये सारे मेथड्स आपके विड्रॉ के लिए। जो मैं यूज करता हूं पर्सनली वो ERC20 ओमनी करता हूं, ठीक ठाक अच्छा सा बेनिफिट्स मिल जाते हैं यहां पे और इजीली डिपॉजिट एंड विड्रॉ हो जाता है। तो यहां पे अगर मैं ERC20 की बात करता हूं या जितने भी सारे मेथड्स की बात करता हूं यहां पे BTRD के प्लेटफॉर्म पे, तो यहां पे जो हैंडलिंग फीस देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है इक्वल्स टू 2 पर ट्रांजेक्शन अगर आप 50 का करते हो तो। यानी कि मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, देखिए मतलब अगर आप एक ट्रांजेक्शन करते हो, एक विड्रॉ लेते हो 50 USDT का, तो आपको टोटल पे करने पड़ेंगे उसके लिए 52 USDT। ठीक है, मतलब 50 USDT अगर आप एक ट्रांजेक्शन पे विड्रॉ लेते हो, मतलब आपने आज के दिन 50 USDT का विड्रॉ ले लिया, ठीक है, तो आपको 52 USDT पे करने पड़ेंगे। जहां तक कि मुझे मार्केट का पता है 55 USDT मिनिमम लगते हैं। मतलब अगर आप 50 USDT की बात करते हो विड्रॉ पे, तो मैंने अभी तक जितने प्लेटफॉर्म्स देखे हैं वहां पे 55 USDT, यानी कि 5 USDT की मिनिमम फीस लगती है 50 USDT पे। ठीक है, तो उसके मामले में भी BTRD ने कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। मतलब यहां पे भी ये कहीं ना कहीं इनका दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में मिनिमम हैंडलिंग चार्जेस फी आपकी 5 USDT होती है ERC20 पे, और मुझे लगता है ओमिनी पे होती है 10 USDT, जो कि काफी हाई है। लेकिन यहां पे ना एक चीज अच्छी है कि अगर आप 50 USDT का विड्रॉ लेते हो तो भी आपको 52 ही पे करने पड़ेंगे, मतलब $2 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। और अगर आप 1000 से लेके 1,00,000 तक का भी विड्रॉ लेते हो तो भी आपको हैंडलिंग फीस लगेगी इक्वल्स टू 2 USDT, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन पे। यहां पे आप मिनिमम 50 USDT और मैक्सिमम 1,00,000 USDT का विड्रॉ ले सकते हो। और अगर बात करते हैं एक दिन में कितने विड्रॉ ले सकते हो, तो भैया एक दिन में आप 2 विड्रॉ ले सकते हो, यानी 2 बार विड्रॉ ले सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि काफी अच्छी चीज है। और एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगी BTRD की वो ये कि ये यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है। मतलब यहां पे आप अपने प्लेटफॉर्म से, यानी अपने ERC20 के वॉलेट से, अपने वॉलेट से जो ओमिनी का है या कोई भी वॉलेट है, वहां से आप कोई भी यूनिवर्सल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो जस्ट एक एड्रेस से। अगर आपके पास एड्रेस है ERC20 का, तो उस एड्रेस से आप कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज लगी जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स में देखने को नहीं मिलती है। कुछ यूनिक स्पेसिफिकेशंस हैं जो हर एक प्लेटफॉर्म को अलग बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। उसके मामले में पूरे नंबर मिलेंगे यहां पे BTRD को, क्योंकि काफी अच्छी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है और हैंडलिंग फीसेस के मामले में काफी लो है। तो अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बाजी जरूर मारी है BTRD ने, और जो दावे थे वो काफी हद तक सच होते हुए नजर आए हैं। अगर गाइस इंफॉर्मेशन चाहते हो सारे मार्केट्स की, या फिर कंपैरिजन चाहते हो सारे एप्लीकेशंस की, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में आती रहती हैं, तो सबसे पहले करना क्या है भाई, सब्सक्राइब अभी कर दो यार चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलना, और लाइक कर दो वीडियो को। अभी तक देख रहे हो तो कमेंट करके यार अप्रिसिएशन जरूर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।